नंदसेना गोटबाया राजपक्षे उर्फ गोटबाया राजपक्षे एक ऐसे श्रीलंकाई राजनेता या एक्स आर्मी ऑफिसर जिन्होंने श्रीलंका में साल 2019 से लेकर 2022 तक बतौर राष्ट्रपति काम किया। हालांकि गोटबाया पर आरोप लगते हैं कि जब देश आर्थिक संकट में आया तब वो देश को मुसीबतों में छोड़कर भाग गए थे। देश छोड़ने के बाद से ही गोटबाया पत्नी के साथ बैंकॉक में एक होटल में रह रहे हैं। लेकिन हाल ही में श्रीलंका के मानवाधिकार ने गोटबाया को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघल को अनुरोध किया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजपक्षे की ये सुरक्षा उनके ही देश के लोगों के आक्रोश के चलते मांगी गई है। बता दें कि पिछले महीने जुलाई में आर्थिक संकट के विरोध के चलते गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर परिवार के साथ बैंकॉक चले गए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि राजपक्षे ने अपने वकीलों के साथ सलाह मशविरा किया है और वो अगस्त महीने के अंत तक वापस श्रीलंका लौटेंगे, जिसके चलते श्रीलंका के मानवाधिकार ने मौलिक अधिकार बताते हुए राजपक्षे और उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की है। जाहिर सी बात है, थाईलैंड में उनके खिलाफ चल रहे विरोधों के कारण उन्हें कहीं आने जाने की परमिशन नहीं दी गई है। साथ ही अमेरिका में राजपक्षे के वकीलों ने ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए पिछले महीने से ही प्रक्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि राजपक्षे की पत्नी अमेरिकी नागरिक हैं, जिस आधार पर उन्हें ग्रीन कार्ड आसानी से हासिल हो सकता है। बहरहाल राजपक्षे का देश वापस लौटने का फैसला सबके लिए हैरानी वाला है। अब देखना होगा कि देश वापस लौटने के बाद राजपक्षे वापस राजनीति में सक्रिय होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।